अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि आज की इस मुलाकात में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैटर पर, जो गिलगित और बाल्टिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान सरकार ने गिलगित और बाल्टिस्तान को 5वां अस्थायी राज्य घोषित करने का फैसला किया, उसके तुरंत बाद ही हिंदुस्तान की सरकार, विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया और इन दोनों देशों के बीच में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। अब हम बात करेंगे कि गिलगित और बाल्टिस्तान है क्या चीज़, इसके बारे में हम बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है। जो गिलगित और बाल्टिस्तान, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 के अंदर, तो जो बाल्टिस्तान है वो गिलगित बाल्टिस्तान है, जो लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा बन गया। और उसके बाद हिंदुस्तान अक्सर कहता रहा है कि ये हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है। और जो उसके अब गिलगित और बाल्टिस्तान की बात करें, गिलगित और बाल्टिस्तान जो अगर हम हिंदुस्तान के मानचित्र में देखें, जो गिलगित है वो गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने वहाँ पर 29 अगस्त 2009 को गिलगित गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। और अब मौजूदा स्थिति के अंदर ये पाकिस्तान का ऑक्यूपाई एरिया है और हिंदुस्तान हमेशा ही कहता रहा है कि ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इसको इसके बारे में बातचीत की जाए। और अब हम बात करेंगे जो गिलगित है, गिलगित वहाँ पर दो रिवर हैं, हुंजा रिवर है और गिलगित रिवर है। जो गिलगित रिवर है कोराकरम के पास है और वे एक हिल स्टेशन है और वहाँ पर पाकिस्तान के टूरिज्म हब बना हुआ है वहाँ पर। तो उसके बाद जो बाल्टिस्तान एरिया है ये दूसरी तरफ आता है। और जो अब हम बात करें 1963 में पाकिस्तान ने वहाँ पर हुंजा ज्वाइंट और कार्ड रक्सम एंड सक्षम कार्ड बाल्टिस्तान की घोषणा की। अब हम जो सिडार, जो बीच में सिडार को उन्होंने कहा कि ट्रांसफर कोराकोरम ट्रैक का नाम दिया उसको। तो अब 1947 के इमरान के अब हम बात करेंगे, उससे आगे चलते हैं। जो बाल्टिस्तान लद्दाख का एरिया जो हिंदुस्तान कह रहा है, और उसको अगर हम बाल्टिस्तान को लद्दाख के साथ इंक्लूड करें तो ये जैंट तिब्बत बनता है और जो बाल्टिस्तान को शमाल तिब्बत कहा जाता है। और जैंट हुंजा रिवर की हमने आपको बात कर दिया है। और वहाँ के जो लोग हैं, अब हम वहाँ के लोगों की बात करें, लोग वहाँ के लोग हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। और जो आज जो दो दिन पहले जो पाकिस्तान सरकार ने ये कहा कि अस्थाई राज्य हम इसको घोषित करेंगे, उसके बाद तो ये क्या ये मानव अधिकार का ये उल्लंघन नहीं है? तो वहाँ के लोग जो इस बातें कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे इस पर। हमेशा ही अवैध कब्जा रहा है पाकिस्तान को, जो हिंदुस्तान कहता आ रहा है, और चाइना का। अब हम बात करेंगे चाइना का इसमें क्या रोल है। ये भी है कि चाइना की शय में ही पाकिस्तान ये स्टेप उठा रहा है। उसका कारण ये है कि जो बाल्टिस्तान के साथ जो एरिया है वो जिंगजेंग एरिया है, वो चाइना का है। और चाइना ये पाकिस्तान को उकसा रहा है कि वो इस तरह की हरकत करे ताकि वो एरिया की जो बेल्ट है वो अपनी यूज़ कर सके। जैसे ही इमरान खान ने ये फिर पाँचवा राज्य घोषित करने की घोषणा की, इससे पूरा हिंदुस्तान हरकत में आ गया है। और हिंदुस्तान की सरकार ने ये सख्त शब्दों में पाकिस्तान सरकार को यह अवगत कराया कि इस तरह की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि बाल्टिस्तान और गिलगित ये भारत का अभिन्न अंग है। 1947 के जो फैसला होता है जे के ऊपर, तो ये अभिन्न अंग है। इससे कोई भी किसी भी तरह का इस पर हम समझौता नहीं कर सकते इस बात को लेकर। अब हम आगे बातचीत करते हैं कि ये बॉर्डर एरिया में अक्सर ये बातें होती रहती हैं। इधर पाकिस्तान कश्मीर को लेकर यहाँ पर कह रहा है कि ये हमारा अभिन्न अंग है, तो ये फ्यूचर के अंदर ये बातें रहती हैं। लेकिन अब देखते हैं, अब ये देखना ये है कि अगर पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत सेंसिटिव एरिया होंगे कश्मीर को लेकर, कि अगर पाकिस्तान 5वां राज्य घोषित करता है, अस्थाई राज्य फिर कह रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन भारत ने अपनी विदेश मंत्रालय की मीटिंग बुलाकर सारा कुछ पाकिस्तान को पहले ये जता दिया कि इस तरह की वो हरकत ना करे, नहीं तो बहुत महंगा पड़ सकता है। ये मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की रिपोर्ट है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।